हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू सुदेश पब्लिक स्कूल्स। तो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आज आपका 16 से स्टार्ट। सो बच्चों, ये है आपकी क्लास सिक्स की मैथमेटिक्स मैथ चीज जो आप चल रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बच्चों थर्ड। ओके, तो चैप्टर थर्ड जो है बच्चों, हमारा नाम है इसका प्लेग विद नंबर्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में, एलसीएम एचसीएफ जो निकालते हैं उनके बारे में पढ़ के, ठीक है, जो आप फिफ्थ क्लास में भी पढ़ के आए हो तो वही चीज़ यहाँ पे रिवीजन में दी हुई है। लेकिन फिफ्थ क्लास के अंदर जो आपने पढ़ा है वहाँ छोटे छोटे नंबर होते थे, यहाँ थोड़े से बड़े नंबर हैं और थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। ओके, क्योंकि आप बड़े भी हो गए हो, है ना, तो आपके दिमाग के हिसाब से यहाँ थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 3A। ओके, तो बच्चों इससे पहले जो एक्सरसाइज मैंने कराई है वो चैप्टर टू हमारा फिनिश हुआ था। उस चैप्टर टू के अंदर बच्चों केवल 2A ही मैंने कराई है, उसकी बाकी की जो एक्सरसाइज है मैंने नहीं कराई है, कुछ भी नहीं कराया है उसके अंदर, केवल वही कराया है। वो इसलिए कराया है क्योंकि बाकी का जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और टाइम की कमी को देखते हुए कोर्स को कम कर दिया है। ओके स्टूडेंट्स, तो कहीं कहीं जो मुझे लगती है कि जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो उस जगह जो है हम अपना टाइम नहीं लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ पेपर में तो वही आएगा। जैसे अगर मान लो चैप्टर टू के अंदर मैंने केवल 2A कराई है तो ये एग्ज़ाम में यही चीज़ पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो इसके अलावा कोई और एक्सरसाइज नहीं आएगी, जो पढ़ाया है वही वही आपको तैयार करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलो वो तो रही पिछली वाली बात, तो स्टार्ट करते हैं आपकी 3A एक्सरसाइज। ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या लिख रहा है बच्चों, ये लिख रहा है फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी नंबर्स दे रखे हैं इनके आपको क्या निकालने हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, फैक्टर्स। तो बच्चों फैक्टर क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ जानने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बेसिक इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, वैसे आप जानते हैं लेकिन फिर भी मैं रिवीजन करा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये लिख रहा है यहाँ पे फैक्टर्स। तो फैक्टर समझने के लिए बच्चों हमें क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 10। ओके, अब इस 10 के अंदर, इस 10 में किन किन संख्याओं का डिवाइड जा सकता है, देखो 1 का जा सकता है, 2 का जा सकता है, 3 का डिवाइड इसमें नहीं जा सकता, ठीक है, 4 का नहीं जा सकता, 5 का, ठीक है, इसका जा सकता है, इसके अलावा और किसका जा सकता है बच्चों, 6 का नहीं जा सकता क्योंकि 6 के टेबल में 10 नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता 10, ठीक है, इस तरह से। तो ये 10 की में तो आता है ये। तो बच्चों ये जो हमने देखे हैं अभी 1, 2, 5, 10, ये सब क्या हैं, ये हैं फैक्टर्स। 1, 2, 5, 10 ये क्या हैं, 10 के फैक्टर्स हैं। ओके, फैक्टर का मतलब होता है इसका पार्ट, मतलब हिंदी बोले तो उसका टुकड़ा। ओके, यानी कि 10 के अगर आप टुकड़े करो, यानी 2 क्या आया, 5 से दिया 1 आया। तो बच्चों हमने इसको कितने पार्ट्स में तोड़ दिया, देखो 2, 5, 1 ऐसे करके, तो ये हमारे जो हैं क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स, ठीक है, 10 के पार्ट्स। ओके, तो इनको बोलेंगे फैक्टर्स। तो समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन लिख रहा है बच्चों फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, यानी 6 जो है इसकी सारे फैक्टर्स निकालने हैं। ओके, तो बच्चों दो तरीके मैं आपको बताऊंगा फैक्टर्स निकालने के। ओके, आपकी बुक में एक ही तरीका दे रखा है, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको ये दोनों तरीकों से अपनी नोटबुक के अंदर करना है, जिससे आपको दोनों तरीके आ जाएं। ओके, तो चलो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है मुझे नोट करना है यहाँ पे, ठीक है, ऑल द फैक्टर्स, वो अपनी जो फेयर नोटबुक होगी उसमें आप, ठीक है, एक्सरसाइज 3 ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट कर लेना। लेकिन फर्स्ट का यहाँ पे है 6। तो बच्चों यहाँ पे मैं 6 की फैक्टर आपको निकाल के दिखाऊंगा। ये क्या है बच्चों, 6, और मुझे 6 के फैक्टर निकाल के दिखाने हैं आपको, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देखो, अब ये दो तरीके हैं फैक्टर निकालने के लिए। पहला तरीका तो ये है, इस 6 में हम डिवाइड करके देखेंगे कि किस किस संख्या का डिवाइड जा रहा है। जिस जिस संख्या का इसमें डिवाइड जा रहा है वो हमारे फैक्टर कहलाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे तरीका पहला है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ
मेथड नंबर फर्स्ट। ओके, तो हम इस तरीके से देख लेते हैं बच्चों कि कैसे इसके फैक्टर निकालेंगे। मेथड नंबर वन, तो फैक्टर्स ऑफ सिक्स। तो बच्चों यहाँ पे देखो, तो सिक्स में हम लिखेंगे यहाँ पे सिक्स इज डिविजिबल बाय। तो बच्चों सिक्स में किस किस संख्या का डिवाइड जा सकता है? देखो वन का जाता है, टू का चला जाता है, टू वन जा टू, टू थ्री जा सिक्स, टू ठीक है, टू टू जा फोर होता है, टू थ्री जा सिक्स होता है, तो टू का जा रहा है। थ्री का जाएगा बच्चों? जाएगा। फोर का नहीं जाएगा। तो बच्चों जिसका नहीं जाएगा उसको नहीं लिखेंगे। फाइव का नहीं जाएगा तो फाइव को नहीं लिखेंगे। सिक्स का जाएगा तो जाएगा तो लिख लेंगे। तो बच्चों सिक्स के बाद सेवन का ट्राई करने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सिक्स नंबर तो छोटा है ना सेवन से ही, तो लास्ट यहीं तक देखेंगे। तो बच्चों ये चारों जो है इसके फैक्टर्स आ गए, तो हम लिख देंगे सो फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर। तो बच्चों सिक्स के फैक्टर कौन कौन से आए? वन आया है, टू आया है, थ्री आया है और सिक्स आया है। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो एक तो तरीका बच्चों ये है। अब बात करते हैं बेटा दूसरे तरीके की। आपको दोनों तरीके करने हैं, ठीक है। दूसरा तरीका बच्चों ये है कि देखो आपने इस तरह से किया होगा, ऐसे किया है आपने, नहीं किया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे टू, टू का बच्चों सिक्स में डिवाइड दिया, क्या आया? थ्री। थ्री का दिया फिर क्या आया? वन। अब बच्चों आप देखोगे यहाँ पे सिक्स टू थ्री थ्री वन, ये सारे जो टुकड़े हो गए ये फैक्टर ही हैं। तो बच्चों हमें देखो टू पे सर्कल करना है, थ्री है इस पे सर्कल कर लो, वन पे सर्कल कर लो, थ्री थ्री पे पहले कर चुके हैं। ध्यान क्या रखना है, जैसे थ्री यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो एक बार सर्कल करना है। ऐसे ही मान लो कोई संख्या कितनी भी बार आए, कोई फैक्टर कितनी भी बार, मान लो टू अगर चार बार आता है तो आपको सर्कल केवल एक बार करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्री है तो इस वाले पे नहीं करना है, मुझे इस पे करना है, ठीक है। ये सर्कल हो गए। तो बच्चों जो हमने सर्कल किए हैं ये क्या कहलाएंगे? इसके फैक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। सो ऑल फैक्टर्स ऑफ सिक्स आर कौन से बच्चों? लिख दो वन, उसके बाद टू, फिर थ्री, फिर सिक्स। इन पे सर्कल किया है तो ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके बच्चों, तो इस तरह से देखो आपने पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब बात करते हैं बच्चों दूसरे क्वेश्चन की, ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा है हमारा एट। तो जरा एट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। मेथड फर्स्ट, तो वही लिखेंगे जो हमने ऊपर लिखा था, एट इज डिविजिबल बाय। बताओ किस किस से डिविजिबल है? देखो वन का जाता है, वन का और खुद का, ध्यान रखना वन का तो हर एक संख्या में डिवाइड चला जाता है ना, चाहे कितनी बड़ी संख्या हो वन का उसमें डिवाइड देंगे तो चला जाएगा ना। तो वन तो फैक्टर सब का होता है, ठीक है। और जिस संख्या का निकाल रहे हैं वो खुद, खुद का तो खुद में जाता ही है, जैसे एट है तो वो एट की टेबल में आता ही आता है, सिक्स है तो वो सिक्स की टेबल में आता ही आता है ना। तो खुद और वन तो ये सब के होते हैं। नंबर इटसेल्फ जो होता है, इटसेल्फ मतलब है खुद, जैसे एट है तो ये और वन, ये इनका तो जाएगा ही जाएगा। देखो वन का जाएगा, टू का एट में चला जाएगा, यस। थ्री का चला जाएगा, नो। फोर का, यस। फाइव का, नो। सिक्स का, नो। सेवन का, नो। एट का, यस। तो देखो वन का जा रहा है और खुद का जा रहा है, यहाँ पे भी हमने देखा था, ठीक है। वन का जाता है और खुद का जाता है, यानी सेल्फ। तो बच्चों ये इसके क्या हो गए? फैक्टर्स। तो हम लिख देंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ एट आर। कौन कौन से हैं हमारे?
वन कॉमा टू कॉमा फोर कॉमा एट और ये हमारा हो गया आंसर। ये तो रहा मेथड नंबर वन। अब इसको दूसरी तरीके से करें तो कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए बच्चों देखो एट है, एट को आपको ऐसे करना है टू, ठीक है, टू का इधर आया फोर, टू क्या आया टू, टू क्या आया वन। अब देखो जरा, देखो टू मैंने कहा था टू कितनी बार आ रहा है, थ्री बार, लेकिन लेंगे एक बार, वन फोर और एट। तो बच्चों लिख देंगे सो ऑल फैक्टर्स ऑफ सिक्स सॉरी एट आर कौन कौन से हैं, वन, वन पे सर्कल है, टू पे सर्कल है, फोर पे सर्कल है और एट पे सर्कल है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से करना है। चलो और करके दिखाता हूँ मैं। ऐसे बच्चे 12 के निकालेंगे तो ठीक है, 12 में किन किन संख्या का डिवाइड जाता है वो निकाल लेंगे, नहीं निकालेंगे ठीक है। 12 का निकालेंगे तो 12 है तो इसमें अब मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, लैंग्वेज आप खुद लिख लेना, जैसे मैंने इस तरह से ये लैंग्वेज लिखी है ना, जैसे सो ऑल फैक्टर, ये लैंग्वेज आप खुद लिखोगे, मैं केवल हिंट दे रहा हूँ आपको करने के लिए ठीक है। जैसे 12 है तो बच्चों 12 में किन किन संख्याओं को जाएगा बताओ, 12 में जाएगा 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, 4 का जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का, 8 का, 9 का, इनका चेक करने का फ़ायदा नहीं है। मतलब देखो बच्चों मैं इस तरह से जब चेक करते हैं ना, तो मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो। जैसे 12 है तो 12 का आधा कितना हुआ, 6, तो आपको 6 तक चेक करना है ठीक है, क्योंकि उसके बाद अगर आप दोगे, जैसे 7 है, 6 के बाद क्या आता है 7, अगर 7 की टेबल लेंगे तो 7 बन जाए 7, 7 2 जो 14, तो ज़्यादा हो गया, 12 से ज़्यादा चला गया ना, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है चेक करने का। तो कहाँ तक मतलब है, कहाँ तक चेक करना है आपको, जो नंबर दे रखा है उसके आधे तक, उसके हाफ तक। जैसे यहाँ पे 12 है तो हमें 6 तक चेक करना है, 12 का आधा कितना हुआ 6, 6 तक। ऐसे ही 19 है तो 19 का आधा लगभग कितना हुआ, जैसे मान लो ये होता है 20, तो 20 का आधा कितना हुआ 10, तो आपको 10 तक चेक करना है बस ठीक है। ये 27 है तो 27 में एक और जोड़ दिया, ये हुआ 28, 28 का आधा कितना हुआ 14, 14, तो आपको 14 तक चेक करना है बस ठीक है। ऐसे 33 का आधा, आधे तक चेक करना है, पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और जब आधा चेक हो जाए ना तो लास्ट में जो नंबर है वही लिखना है आपको, क्योंकि खुद का तो जाता ही है। तो बच्चों ये हो गई ठीक है। और अगर इसको वैसे करते तो, वैसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 का दिया कितना आया 6 आ रहा है, फिर 2 का दिया 3 आ रहा है, फिर 3 का दिया फिर 1 आ रहा है ओके। अब यहाँ बच्चों इस तरीके से जवाब करोगे ना तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा ठीक है, हर एक में नहीं, किसी किसी में। देखो 1, 3, 2 ठीक है, 6 और 12। अब बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ इसके फैक्टर क्या होंगे, तो ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 आर, तो देखो 1 होगा ठीक है, 2 आ रहा है ना 2 होगा, 3 आ रहा है ना 3 होगा। अब मैं बताऊं बच्चों देखो ये 2 दे रखा है, ये 2 दे रखा है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 है ना, 2 2 जा 4, तो यहाँ से ये 4 भी निकल आएगा। अगर इस 2 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, तो 6 तो इसमें पहले से ही है तो 6 ले लेंगे ठीक है, और ये 12 आ गया ठीक है ना बच्चों। इस तरह से आपको निकालना है ओके। 12 हो गया, ऐसे ही 15 को करते हैं बच्चों। तो 15 में देखो किस किस का चला जाएगा, 1 का चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का नहीं जाएगा, 5 का चला जाएगा ठीक है, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 7 2 8 का, तो 15 का 8 आधा लगभग 7 साढ़े सात होता है, तो 8 तक चेक कर लो, उसके बाद डायरेक्ट नहीं जा रहा है ना, तो 15 लिख दो डायरेक्ट ठीक है, ये आ गया। और बच्चों वैसे करेंगे तो, मैं सेकंड मेथड से करेंगे तो देखो 2 आया सॉरी 3 आया,
फाइव आया, वन आया। अब इसमें कौन कौन से आ रहे हैं देखो, वन आ रहा है, फाइव आ रहा है, थ्री आ रहा है और फिफ्टीन आ रहा है। ठीक है, चार ही फैक्टर है तो लिख दोगे इनको, वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तो फाइव थ्री या फिफ्टीन है इसमें ऑलरेडी। ओके चलो अगला देखते हैं। आगे दे रखा है बेटा 19, क्या दे रखा है 19। तो बच्चों 19 में बात करते हैं तो 1 का जाएगा और 19 की टेबल में 19 की टेबल में आता है 19, और किसी की में आता नहीं है, ना 2 का जाता है, ना 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, किसी का नहीं जाता, तो 19 का ही जाता है। तो बच्चों इसमें दो ही फैक्टर होंगे, और वैसे करेंगे तो दूसरे मेथड से 19 को कर लो, किसी का नहीं जाएगा, केवल 19 का ही जाएगा, 19 बन जा 19। तो बच्चों इसमें ऐसे करके देखो, 19 दो बार आ रहा है तो मैंने कहा था एक बार सर्कल करना है, तो यहाँ पे दो फैक्टर आ गए। ओके स्टूडेंट, ऐसी 27 है अगला वाला। अगला वाला क्या है 27, देखो मैं इधर कर रहा हूँ, समझाने के लिए कर रहा हूँ मैं आपको, बस 27 है बच्चों। तो 27 के लिए देखो, 1 का चला जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 4 का, 5 का, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, 8 का नहीं जाएगा, 9 का चला जाएगा, 9 के बाद और किसी का नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि 10 का ना 11, 12, 13, 14, ठीक है, 14 टू जा 28, तो आधे तक चेक करना है बस, तो नहीं जा रहा ना, तो डायरेक्ट 27 लिख दो। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। दूसरे मेथड से करेंगे तो 2 का तो जाता ही नहीं है, तो 3 का जाता है, तो 3 का देंगे तो बच्चों 39 जा 27, फिर से 3 का जा रहा है तो 3 का दिया, कितना आया 1, और किसी का तो जाता ही नहीं है। देखो फैक्टर क्या क्या आए, 1, 3, 9 और 27, ठीक है, ये 3 तो है ही है, इधर तो एक बार लेना है, तो ये तो लिख दोगे आप, वही आ गई। ऐसे बच्चों अगला है 33। तो बच्चों ये आपको खुद करना है, ठीक है, बाकी के आप कर लोगे। देखो मैंने 27 तक बता दिया है, 33, 36, 42, 49 ये आपको खुद करने है। ओके तरीका मैंने बता दिया है, दोनों तरीके से करना है। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। यहाँ लिख रहा है बच्चों फाइंड 5 फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द गिवन नंबर। तो बच्चों इसमें तो ऑल लिखा हुआ है, ऑल मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे सारे निकालने। मैं बता दूं बच्चों कि किसी भी नंबर के, किसी संख्या के अगर आप फैक्टर्स निकालोगे ना, तो वो उनकी संख्या फिक्स होगी, फिक्स मतलब इनफाइनाइट नहीं होंगे, असंख्य नहीं होंगे, कुछ किसी नंबर के लिए फिक्स होगी। जैसे मान लो हमने निकाले थे 12 के निकाले, तो 12 के फैक्टर कितने आ रहे थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितने आ रहे हैं 6, तो 12 के फैक्टर फिक्स हैं, 6 ही होंगे, ठीक है, चाहे किसी भी तरीके से निकाल लो। 27 के फैक्टर निकालेंगे तो ये फिक्स हैं, 4, 4 है तो 4 ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है ये कह रहा है, अब इसमें कितने भी मल्टीपल हों, चाहे वो 4 हों, अब पहले 5 पूछ रहा है तो इसलिए बड़ा नंबर इसने दे रखा है, तो 5 से तो ज़्यादा ही होंगे उसके, चाहे वो 7 हों, 8 हों, 10 हों, 12 हों, कितने भी हों, लेकिन हमें तो केवल 5 निकालने हैं। कितने निकालने हैं, ओनली 5 फैक्टर्स निकालने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओनली 5 चाहिए आपको, तो ओनली 5 चाहिए तो आप बस 5 देख करके लिख देना। लेकिन ये कह रहा है अदर देन 1 एंड नंबर इट्सेल्फ, मतलब 1 के अलावा और खुद के अलावा, मतलब 1 नहीं लिखना है और वो खुद जो नंबर है वो नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे इसके 12 के फैक्टर निकाले थे तो इसमें 1 भी आ रहा है और 12 भी आ रहा है, यानी खुद भी आ रहा है नंबर, तो यहाँ पे 1 को नहीं लिखना है और 12 को नहीं लिखना है, बीच वाले लिखने हैं, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, जब मैं ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ इसमें क्या करना है, देखो मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, तो बच्चों नोट कर लोगे सेकंड क्वेश्चन, आप 5 फैक्टर्स निकाल रहे हैं, तो मैंने ले लिया पहला 72। तो बच्चों इस 72 के आप फैक्टर्स करिए जरा, ठीक है, देखो 2 का जा रहा है कितनी बार गया, 2 का दो जरा, 2, 3 और 6 36 आएगा, फिर 2 का दिया बच्चों कितना आया 18, फिर 2 का दिया कितना आया 9, फिर 3 का दिया कितना आया 3, फिर कितना दिया 1। अब बच्चों इसमें से केवल 5 फैक्टर लेने हैं आपको, देखो 1 को नहीं लेना है और 72 को नहीं लेना है बस, बाकी सब ले लो। देखो 2 ले लिया, 36 ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, कितने हुए वो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए, 72 और 1 को छोड़ना है,
ठीक है। तो फाइव फैक्टर्स आर, तो हम लिख देंगे सो फाइव फैक्टर्स आर, कौन कौन से हैं, थ्री टू है, थ्री है, नाइन है, एटीन है और 36 है आंसर। ओके स्टूडेंट्स, तो लिख देंगे ऐसे ऐसे, देखो 96 के निकाल दोगे आप, ऐसे ही सब के निकाल दोगे आप, ठीक है। और बताओ मैं किसके निकाल के दिखाऊंगा आपको, देखो मैं इसके बड़े से इसके दिखा दूं करके, 620 के निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको, ठीक है 620। तो बच्चों 2 का दिया, देखो 6 में दिया था 3 और 1 उसमें ये आ गया। अब बच्चों 2 का देंगे तो कितना आएगा, 155 आएगा, फिर 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का जाएगा, तो 35 या 15 और 31 सॉरी 3 का भी नहीं जा रहा है इसमें, तो 5 का जाएगा, ठीक है। तो 5 3 जा 3 है बच्चों, 5 3 जा 15 और 5 बन जा 5, अब 31 है तो 31 में बच्चों 31 का ही जाएगा और किसी का जाएगा ही नहीं। अब तो आपको 5 लेने हैं ना, तो 1 छोड़ो और 620 छोड़ो, बाकी सबको ले लो, हो गए ना 1 2 3 4 5, लिख देंगे ऐसे इनको ऐसे करके हो जाएगा बच्चों। तो स्टूडेंट्स आपको इस तरह से ठीक है फैक्टर्स लिखने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वर्क कर लें, ठीक है। सो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय बाय।